दूर हो जा, दूर हो जा। सिंपली हमको ऐसा बलून बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी एक नॉर्मल बोतल की, और दूसरे नंबर पे ये कास्टिक सोडा, और एक बलून और एल्यूमिनियम फॉइल की। तो गाइस सबसे पहले हम इस बोतल के अंदर नॉर्मल वाटर डाल लेते हैं। तो गाइस इतना सा हमने यहाँ पर नॉर्मल वाटर डाल लिया इसके अंदर, और अब जो हमारे पास ये कास्टिक सोडा है, इस कास्टिक सोडा को इसके अंदर डालेंगे। तो गाइस हमारे पास ये है बहुत सारा कास्टिक सोडा, और अब हमारे पास है दूसरा ये एल्यूमिनियम फॉइल। तो सबसे पहले हम इस एल्यूमिनियम फॉइल को काट लेते हैं, और इसके छोटे छोटे पीस ऐसे रोल कर लेते हैं, इसके छोटे छोटे पीस को। गाइस बहुत सारे छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं एल्यूमिनियम फॉइल के। अब कास्टिक सोडा को इस बोतल के अंदर डालते हैं, ये सारा कास्टिक सोडा इसके अंदर डालते हैं। तो कास्टिक सोडा को हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब हमारे पास है ये एल्यूमिनियम फॉइल, इस एल्यूमिनियम फॉइल को इसके अंदर भी डाल देते हैं। गाइस एल्यूमिनियम फॉइल को इसके अंदर डाल दिया है, नॉर्मल इसको घुमा लेते हैं, और अब हमारे पास एक होता है बलून, इस बलून को इसके अंदर लगाते हैं, और फिर इसके अंदर जो सारी गैस निकलेगी वो सारी गैस इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ी सी टेप भी कर देते हैं। तो हमारी गैस धीरे धीरे बनके तैयार होगी। हाँ तो गैस देखो हमारी गैस धीरे धीरे बनके तैयार हो गई, बलून बहुत ही ज़्यादा फूल रहा है धीरे धीरे, रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, एल्यूमिनियम से इसके अंदर गैस बन रही है, ये गैस सीधा बलून के अंदर ऐड हो रही है। ओह देख बोतल। तो गाइस इसके अंदर गैस अभी भी ऐड हो रही है। दूर हो जा, दूर हो जा। तो गाइस इसके अंदर थी पूरी के पूरी एलपीजी गैस, जिसके अंदर आग लगते ही धमाका हो गया। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो।